नमस्कार। समाचार की दुनिया में कैसे सच सीधे समाज तक पहुंचे और आखिर किस तरह से खबरों की दुनिया में विश्लेषण का जो महत्व है वो बरकरार रह सके, कुछ ऐसी ही कोशिश है डीलाइव न्यूज पर। न्यूज एनालिसिस के इस खास सेगमेंट में हम एक बार फिर हाजिर हैं। इस बार फिर बारी है मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित व्यापम महाघोटाले की। जी हाँ, ये व्यापम महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार सिलसिलेवार ढंग से हुई मौतों के बाद अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी इस बड़े संगीन मसले पर अपना दखल देना पड़ा है। और जिस तरह से विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जांच को ठेंगा दिखाने के बाद, या कहा जाए जांच पर उंगली उठाने के बाद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, उस पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है और साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की भी अब छुट्टी होने में देर नहीं है। जी हाँ, किस तरह से मध्य प्रदेश में ये व्यापम महाभारत का पुराण लिखा गया और आखिर कौन कौन से वो रसूखदार चेहरे हैं जो अब भी बेनकाब होना बाकी हैं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि न्यूज का एनालिसिस, न्यूज का विश्लेषण क्या विचार देता है। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से जाबांज विधायक और एक सदस्यीय जांच दल के प्रभारी बनाए गए श्री जीतू पटवारी। जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ेंगे न्यूज के कोऑर्डिनेटर श्री पीयूष पारे जी। पीयूष से जानेंगे क्या कुछ सीधे पड़ताल इस पर निकल कर आई है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के मेहमान जीतू पटवारी से। जीतू जी, क्या लगता है, आप सुप्रीम कोर्ट का दखल भी सबके सामने है, क्या आपको अब भी लगता है कि समाज के सामने सच पहुंचने में कुछ देरी बाकी है? बात यह है कि इन परिस्थितियों में 2004 से लेकर 2014-15 जब तक घोटाला चलता रहा और मध्य प्रदेश के इस पूरे कार्यकाल में शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री रहे, और यहाँ तक ही नहीं, बीच में करीब 3-4 साल 2010 से लेकर 2013 तक उनके पास ही ये घोटाले का महाकांड जो हुआ उसके मुख्य विभाग के मंत्री भी खुद वही थे, चिकित्सा मंत्री। मैं समझता हूँ इन सब परिस्थितियों के बाद जिस तरीके से 2500 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, करीब 1900 लोग गिरफ्तार हो गए, आरोपी 2500 से ज़्यादा बने, और उसके बाद 50 लोग जिनकी निर्मम एक तरह से संदिग्ध अवस्था में हत्या कर दी गई, ये सब बातें इस बात को इंगित करती है कि मध्य प्रदेश में न्याय मिलना बंद हो गया था। और जिस तरीके से एसटीएफ की जांच हो, एसआईटी की जांच हो, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग हो, आज जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिंग आया है उसने सीधे सीधे मध्य प्रदेश सरकार को लताड़ा है, हाई कोर्ट को लताड़ा है, एसटीएफ के और एसआईटी की जो जांचें थी उन दोनों पे प्रश्न लगाए हैं। राज्यपाल चूंकि उनके पे गिरफ्तारी होनी थी उनकी, उसकी जगह उनको एक तरह से कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने छूट दी, और जो हाई कोर्ट ने छूट देने के बाद वो अपने पद पे बने रहे। इसके पीछे मूल कारण ये था कि राज्यपाल जी को अपने पद पे बने रखना, अगर हटेंगे तो गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी तो कई नाम आएंगे तो मुख्यमंत्री तक तार जाएंगे। ये सब बातें आप पूरी घटनाक्रम को देखेंगे तो इस महाकांड के महायोद्धा और इस महाकांड के महाआरोपी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान अल्टीमेटली निकलेंगे। और मैं इस बात की खुशी हुई, इस बात का बड़ा, कि मध्य प्रदेश में न्याय की प्रक्रिया फिर से चालू हुई है। सुप्रीम कोर्ट की दखल हुई, न्याय के मंदिर में इस पूरे ड्रामे को या पूरी संजीदगी से उन्होंने पूरा देखा, और जितने भी रसूखदार लोग थे जो आज पर्दे के पीछे हैं, जिनके नाम को बचाने के लिए कई लोगों की हत्याएं हुई है, मैं समझता हूं उन सबके चेहरे बेनकाब होंगे। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार हो, उसको पूरी ताकत से न्याय के सामने पेश होना पड़ेगा। और जो जो हमारे बच्चे हैं जिनने पैसे दे के अपने पद पाने की कोशिश की थी, नौकरी लेने की कोशिश की थी, मैं इस मामले में माननीय न्यायालय में भी ये बात शायद कांग्रेस पार्टी के या विसिल ब्लोअर के लोग कहेंगे भी कि उनको सरकारी गवाह बना के आगे की कार्रवाई चालू हो, तो मैं समझता हूं कि न्याय जल्दी मिलेगा। बिल्कुल जीतू जी, एक सवाल उठना और लाजमी है कि जब मध्य प्रदेश में लगातार मौतें होना शुरू हुई, या कहा जाए सिलसिलेवार ढंग से जो सीरियल किलिंग जो अनऑफिशियली कहा जा रही है कि व्यापक महाघोटाले की आड़ में हुई, आपको नहीं लगता कि इतनी सारी जाने गंवाने के बाद ये व्यापम महाघोटाले का पर्दाफाश करने के लिए अब विपक्षी दल तत्पर हुआ है? और खासतौर पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो एक सदस्यीय जांच दल जो बनाया गया, जिसके आप खुद स्वयं प्रभारी भी हैं, मध्य प्रदेश में आप अलग अलग जिलों में गए, अगर बात करें हम झाबुआ में डामोर परिवार की जिन्होंने अपनी बेटी को खोया, इसके अलावा इंदौर जेल में बंद नरेंद्र राजपूत की जेल में संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है, इन तमाम पहलुओं पर नहीं लगता है कि विपक्षी
दल को और पैनी निगाह रखना होगी? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की पैनी निगाह ही थी, वो चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो सड़क पे हो, या चाहे इस देश के संविधान में भरोसा करके कोर्ट के साथ हो। लेकिन दो बार हाई कोर्ट ने हमारे दिग्विजय सिंह जी की याचिकाओं को रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा कि आप साक्ष्य आपके पास पूर्ण नहीं है, इसलिए हमें अपमान भी सहन करना पड़ा, पर हमने आस नहीं छोड़ी, लड़ना नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ ये सब बातें विपक्ष की पैनी निगाह का ही कारण था। अब जहाँ तक प्रश्न है, आपने पूछा कि एक सदस्य समिति, मैं इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि मैं एक सदस्य समिति मेरी नहीं है, मैं उस संभाग के विधायकों को साथ लेके जाता हूँ, यानी वो बहु सदस्य समिति है और उसके हमने 6 जिलों का दौरा किया, उसमें हम 10 परिवारों से मिले और उनकी जब प्रक्रिया जानी। मैं बहुत सी बातें ऐसी है जो आपको इस अवसर पर बताना यूं भी उचित समझता हूं कि सरकार ने 35 लोगों के नाम एसटीआई ने एसटीएफ ने डिक्लेयर किए कि ये व्यापम के आरोपी थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु का एक कालम बनाया जिसमें कारण बताया गया, किसी की आत्महत्या बताई गई, किसी का रोड एक्सीडेंट बताया गया, और नीचे एक कालम लिखा उसी के साथ कि परिवार के लोग सहमत है कि इसकी संदिग्ध अवस्था में मौत नहीं हुई है, स्वाभाविक अवस्था में मौत हुई है। ये बातें अपने आप में और शंका पैदा करती थी। मैं 8 परिवारों से मिल चुका हूं, जिन्होंने 8 में से 7 परिवारों ने संदिग्ध अवस्था में मौत को हत्या का कारण, हत्या भी शंका जाहिर की है। मैं समझता हूं ये सब कारण थे कि मुख्यमंत्री जी को दोषी और उनकी सरकार को महादोषी करार देते हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे भी बने हुए लगातार। पीयूष, क्या लगता है आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि क्या वजह रही कि राज्यपाल महामहिम राम नरेश यादव पर तमाम आरोप लगने के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया, आज उनकी छुट्टी होने का कहीं ना कहीं बातों में इशारा पूरे जगत में मिलता दिखाई दे रहा है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? जी बिल्कुल महेंद्र जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाईकोर्ट गए थे, वहां से उन्हें जो है वो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कर दी थी कि सीबीआई जांच के लिए वे अपनी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और उसके बाद आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में जितने भी व्यापम से जुड़े मामले थे उनकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस पूरे मामले में अगर हम लोग गंभीरता से बात करें तो जिस तरह से व्यापम घोटाले की कहानी रची गई, उसके बाद इस व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की संदिग्ध मौत होना, इन तमाम बिंदुओं पर अब सीबीआई की जांच कहीं न कहीं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरी ओर अगर बात करें तो सीबीआई की जांच में उन लोगों के लिए खतरा यहां पर साबित हो रहा है जो कहीं न कहीं व्यापम घोटाले में अब तक पर्दे के पीछे थे, जिनमें से अगर बात करें राज्यपाल राम नरेश यादव की, एक जो है वो पद पर बैठे हुए थे, राज्यपाल जैसे एक बड़े पद पर बैठे होने के कारण कहीं न कहीं जांच उन तक जांच की आज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है तो कहीं न कहीं अब राज्यपाल की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के लिए भी यह खतरे की घंटी साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। तो तमाम पहलू अब साफ है और अब सीबीआई की जो जांच होना है उसमें जो है वो अलग अलग जो चीजें हैं वो पूरी तरह से सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, एक ऐसा महाघोटाला जिसमें 2500 से ज्यादा आरोपी बनाए गए, अब तक 1980 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 55 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं। जी हाँ, इसे मध्य प्रदेश की वही अजब और गजब कहानी ही कहा जाएगा कि एक ऐसा व्यापम महाघोटाला हो जाता है व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आड़ में, या कहा जाए इस कवच की आड़ में सत्ता पर में बैठे वो तमाम नेता जो हैं गलत ढंग से अपनी संतानों को न केवल दाखिला दिलाने की कोशिशें करते हैं बल्कि तमाम प्रतिभाशाली और नौजवान युवाओं के हक पर भी कहीं ना कहीं कुठाराघात करते हैं। वो युवा जो सही मायनों में सरकारी नौकरी का दावेदार था, वो युवा जो सही मायनों में डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, सपने संजो रहा था, उन तमाम सपनों पर कहीं ना कहीं एक तरह से हाईजैक किया है तमाम सत्ता में बैठे इन रसूखदार चेहरों ने। बहरहाल, इसे विडंबना का ही विषय कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता व्यापम महाघोटाले पर अब कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, या कहा जाए सीधे तौर पर उनकी बोलती
ही बंद हो गई है। वो तमाम नेता जो शिवराज सरकार का गुणगान गाते नहीं थकते थे, वही नेता अब बार बार बुलाने पर भी मीडिया के कैमरों से दूरियां बना रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस फोरम पर, न्यूज एनालिसिस के इस फोरम पर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े प्रवक्ताओं को बुलाने पर भी उनके पास संकोच भरा समय नहीं था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की तरफ से विपक्ष का धर्म निभा रहे जीतू पटवारी क्या मानते हैं, सीधे जानते हैं कि अगला क्या कुछ कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी 16 तारीख को। जी हां, 16 जुलाई को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है। उनकी नजर में ये बंद कितना जायज है अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अपना दखल दिया है इस पूरे मामले पर? जीतू जी, क्या आपका मानना है, जनता जानना चाहती है कि 16 तारीख को कांग्रेस आखिर अब क्यों बंद करने वाली है? ने लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बार बार को नोट कराते हैं, कोट करते हैं इस बात को कि जनता की अदालत में मैं जीत के आया हूँ, पर वो इस वक्त ये भूल जाते हैं कि जनता ने विपक्ष को अपना काम दिया है, वो कांग्रेस पार्टी भी अच्छे से निभाना चाहती है। मैं ये समझता हूँ कि जो 16 तारीख का बंद है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से SIT के बदले सुप्रीम कोर्ट के सानिध्य में या उनकी निगरानी में CBI जांच की मांग की थी, उसके साथ साथ एक बात फिर कही थी कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्या राजनीतिक भावना के अनुरूप होना चाहिए या उसके पीछे कोई तथ्य है? उसके पीछे तथ्य है। तथ्य ये है कि उनकी भांजी जो PSC से उनकी आज DSP बनी हुई है, DSP किसी पद पर है, सरकारी नौकरी पर मुलाजिम है, मैं समझता हूँ उसके भी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर अन्य प्रमाण पत्रों पर संदिग्धता है। उनका PS जो प्रेम प्रसाद है वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसने अग्रिम जमानत ले ली। उसके साथ साथ उनके दो परिवार के लोग किरार फैमिली के, शक्ति सिंह किरार और उसके पिता जो मुख्यमंत्री की नाक के बाल है, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यहाँ तक ही नहीं, नरेंद्र तोमर भारतीय सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके एक रिश्तेदार है भदौरिया जो परीक्षा कंट्रोलर थे, उनके सानिध्य में वो भी आरोपी है, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। और भी अनेकों अनेक मंत्री की पत्नी का नाम आ रहा है, मंत्री का नरोत्तम मिश्रा जी का कहीं कहीं नाम पूरे प्रकरण में आता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे कई तमाम बिंदु इसलिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी की बात अपने आप एक रखती है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने हमेशा चाल चेहरे और चरित्र, हम दूसरे से अलग डिफरेंट पार्टी, इन सब बातों की हमेशा बात की वोट के लिए और अलग तरीके से अपने आप को पेश करने की और नैतिकता और उच्च मापदंडों की दुहाई दी। उन सबको साथ में लेके मुख्यमंत्री को पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इस मायने में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बंद ज्यादा जायज। बिल्कुल, चलिए बहुत संक्षिप्त में न्यूज कोऑर्डिनेटर पीयूष से भी जान लेते हैं। पीयूष, क्या लगता है अब जब सुप्रीम कोर्ट का दखल है, विपक्ष भी पूरी तरह से सड़क पर उतरकर मुखर हो चला है, ऐसे में क्या लगता है न्याय की उम्मीद की जाए? एक पूरी की पूरी पीढ़ी कहा जाए यहाँ पर बर्बाद हो गई, तमाम प्रतिभाशाली नौजवान छात्रों का अधिकार, उनका हक मारा गया, ऐसे में अब कहाँ लगता है कि ये व्यापक महाभारत अब थमने वाली है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घोटाला उजागर हुआ, घोटाले की कहानी सामने आई है, उसके बाद प्रदेश में शिक्षा के जो है वो स्तर की बात करें या शिक्षा पर जिस तरह से सवालिया निशान खड़े हुए थे, खासकर मेडिकल शिक्षा की मैं बात करना चाहूंगा, बेदाग यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो कहने की बात कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से तार तार जो व्यवस्था हुई थी उसको लेकर अब जो है वो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या CBI की जांच में उन लोगों को न्याय मिलेगा जो इस पूरे घोटाले की भेंट चढ़े हुए हैं? उन लोगों का क्या है जो वाकई में इस पूरे घोटाले में जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई या फिर जिन्होंने सपने संजोए थे डॉक्टर बनने का या जिम्मेदार नागरिक बनने का और जिम्मेदार पदों पर जाने का, उन लोगों के साथ यहां पर न्याय होता है तो कहीं ना कहीं CBI की जांच हर मायनों में सही साबित होगी। और जो आरोपी हैं, जो लोग वाकई में जिन्होंने इस पूरी साजिश को रचा है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सलाखों के पीछे जाना होगा या उन्हें कहीं ना कहीं इस मामले में अब CBI को पूरी तरह से जांच के मायनों पर आगे बढ़कर उन्हें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बाहर लाना होगा, तब जाके इस मामले में पूरी तरह से मैं मानता हूं कि CBI की जांच सही साबित होगी। जी महेंद्र जी, जीतू जी, जाते जाते बहुत संक्षिप्त में, लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रही है, आपको लगता है कि अब ये जो तमाम हालात पैदा हुए हैं मध्य प्रदेश में, सियासी तौर पर संकट यहां पर गहराता नजर आ रहा है, हालांकि भविष्य के गर्त में है कि राज्यपाल की कुर्सी जाएगी या नहीं जाएगी, केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी मांग पर अब भी बरकरार है? नहीं, बात किसी की कुर्सी जाने या बने रहने का महन जी नहीं है, बात इस बात का है कि मध्य प्रदेश की साख पूरे देश में और विश्व में कितनी गिरी है।
बात इस बात की है कि मध्य प्रदेश के डॉक्टरों पर शंका होने लगी है। जो देश के जो अन्य संस्थान है मेडिकल के, वो मध्य प्रदेश के नए बच्चे जो डॉक्टर बने हैं उन पर शंका की दृष्टि से देखता है। ये सब बातें इस बात को घोषक करती है कि मध्य प्रदेश की साख गिरी है और सरकार के रहते हुए गिरी है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के ही हैं शिवराज सिंह जी, अगर इस्तीफा भी देंगे तो दूसरा बनेगा, हम तो नहीं बन जाएंगे या दूसरा कोई तो बन नहीं जाएगा पार्टी का। नैतिकता की दुहाई और मध्य प्रदेश की साख का सवाल, इन दो उच्च मापदंडों का ध्यान रख के भारतीय जनता पार्टी को सब सद्बुद्धि मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि मिलना चाहिए। इतना भारी भयंकर उनको बहुमत मिला था, वो एक साफ सुथरी और साफ गोई राजनीति के लिए मिला था और मैं समझता हूँ कहीं कहीं चूर हुई है। इन सब बातों के लिए पद छोड़ना चाहिए, पद पर बने रहना या नहीं बने रहना उचित नहीं है। बात नैतिकता की दुहाई के साथ मध्य प्रदेश के भविष्य की, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में यह व्यापम महाभारत कहाँ जाकर थमती है ये जरूर देखना लाजमी होगा, लेकिन अब ये जरूर है कि सीबीआई पूरी बारीकी से परत दर परत पड़ताल फिर करने वाली है, पूरा मामला दोबारा इन्वेस्टिगेशन में आने वाला है। ऐसे में अब उम्मीद फिर एक बार जागी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद तमाम रसूखदार वो चेहरे बेनकाब होंगे जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इस व्यापम महाघोटाले को अंजाम देने में जुटे हुए थे। बहरहाल, न्यूज एनालिसिस के सेगमेंट में और कुछ जानेंगे, तमाम पहलुओं पर आगे भी चर्चा को जारी रखें। फिलहाल बारी है एक छोटे से अंतराल की, इजाजत दीजिए, नमस्कार।